हसी तो फसी का ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज हो चुका है राम जी। जी क्या आपको लगता है कि ये फिल्म पब्लिक को सिनेमाघरों की सीटों तक फंसा पाएगी? देखिए, इस फिल्म का ट्रेलर देख के तो लगता है कि मुझे ये यूथ ऑडियंस को जरूर फंसा पाएगी, यानी अपनी तरफ आकर्षित करने में जरूर कामयाब होगी। जी और इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि इसकी जो रोमांटिक लव स्टोरी है उसमें रियलिटी का एंगल बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जो कि यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करने में ज्यादा कामयाब होती है। ओके मुझे खुशी ये भी है कि बॉलीवुड में आजकल ऐसी फिल्में बनने लगी हैं जिनकी लव स्टोरीज में रियलिटी का एहसास समेटे हुए होता है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है बॉलीवुड के लिए और ऑडियंसिस के लिए भी। जी स्वदेशी रोमांस के बाद परिणीति चोपड़ा का भी टॉम बॉय लुक काफी आकर्षित करता है। जी सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिनकी इससे पहले फिल्म आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिनमें उनका कैरेक्टर काफी फोकस्ड था, इसमें एक कंफ्यूज्ड यंग के कैरेक्टर में भी वो काफी आकर्षित करते हैं और जज रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को कुछ तो इसका टाइटल ही बहुत आकर्षित करता है, हंसी तो फंसी, ये एक आम मुहावरा अपनी लाइफ में, जी और उसी पर इन्होंने फिल्म बनाई है और उसका स्क्रीन प्ले भी मुझे लगता है अच्छा डेवलप किया है। हंसी तो फंसी की हाईलाइट पर आपकी खरी बात राहुल जी। देखिए, हंसी तो फंसी एक क्रेजी लव स्टोरी है विद रियलिटी टच। जी इसके डायलॉग्स में ये मानता हूं कि काफी फ्रेशनेस लिए हुए हैं। देखिए, गरम आमतौर पे कहा जाता है कि बेटी दामाद लाएगी, लेकिन इसमें कहा जाता है कि बेटी दामाद नहीं बहू लाएगी। जी और दूसरा एक और डायलॉग है इसका जो ट्रेलर में काफी दिखाया जा रहा है कि परिणीति चोपड़ा सिद्धार्थ से कहती है, तुम्हारी और मेरी केमिस्ट्री पानी की तरह है, तुम डबल हाइड्रोजन हो और मैं ऑक्सीजन हूँ। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट मैं मानता हूँ कि ये फिल्म सेट फार्मूला से हटकर बनी हुई है, जी और इसमें सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री दर्शकों का मनोरंजन जरूर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद राहुल जी। वेलकम।